पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर जो कि मई के महीने में पाकिस्तान से भारत आई थी और रबुपुरा में सचिन मीना नामक व्यक्ति से उनका ऐसा दावा है कि उन्होंने शादी की थी नेपाल में और रह रही हैं, उनको लगातार दूसरे दिन एटीएस के ऑफिस में लाकर पूछताछ की जा रही है। कल भी उनसे 6 से 8 घंटे की पूछताछ की गई जिसमें उनसे उनके सफर के बारे में, कैसे उन्होंने पाकिस्तान में आर्थिक मदद जुटाई और कैसे वो भारत तक का उन्होंने सफर तय किया, पाकिस्तान से दुबई जाके फिर वहां से नेपाल में काठमांडू उतरी और फिर पोखरा जाके वहां से बस लेकर दिल्ली की तरफ आ रही थी और बीच में नोएडा में उतर कर वो रबुपुरा गई जहाँ उनकी सचिन मीना से मुलाकात हुई। वहां पर उनका दावा है कि पहले ही उनकी सचिन मीना से शादी हो चुकी है जब वो लोग 1 साल पहले नेपाल में मिले थे। उनसे इस तौर पे भी पूछताछ की जा रही है कि किन लोगों से वो उनका संपर्क था भारत आने के बाद और पाकिस्तान में भी जब वो थी तो किन लोगों से उनका संपर्क था, उनका पिछला रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है, किन से उनके संपर्क भारत आने के बाद हुए उनका भी पिछला रिकॉर्ड एटीएस खंगाल रही है। फ़ोन के डिटेल्स, सेल फोन के डिटेल्स और जो नंबर वो इस्तेमाल कर रही थी उनका भी डिटेल निकाला जा रहा है कि किन किन नंबरों पे उनके सेल फोन से कॉल हुई थी या जो सिम कार्ड उनसे बरामद हुए हैं वो कहां कहां पर एक्टिव थे। इसके अलावा पुलिस ने सचिन मीना से भी पूछताछ की है और उनके पिताजी से भी पूछताछ की है नेत्राम से, उनसे भी ये पूछा गया है कि किस बिना पर उन्होंने सीमा को अपना लिया जब वो भारत आई और कैसे उसके बाद वो किराए पर मकान लेकर रबुपुरा में रह रही थी। अभी सीमा सवालों के घेरे में है, दूसरे दिन लगातार पूछताछ जारी है और यही ऑफिस है नोएडा पुलिस का सेंट्रल कमांड सेंटर जहां पे एटीएस का ऑफिस है और जहां पे उनसे पूछताछ कल की गई थी और आज भी यहां पूछताछ की जाएगी। हो सकता है उनको सेक्टर 58 के एटीएस ऑफिस में भी ले जाया जाए। कैमरा पर्सन वाहिद के साथ अनवेश श्रीवास्तव, नोएडा से।